बिहार बोर्ड से जो भी छात्र छात्राएं अध्ययन कर रहे हैं उनके लिए आज दो तीन महत्वपूर्ण अपडेट पे हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहला अपडेट है कि जो भी विद्यार्थी 11वीं में अर्थात कि क्लास 11th में स्टडी कर रहे हैं तो उनका जो रजिस्ट्रेशन हो रहा था तो उस रजिस्ट्रेशन के कार्य पे रोक लगा दिया गया, तो वो कब से शुरू होगा। उसके साथ साथ मैट्रिक इंटर के बोर्ड एग्जाम में जो 2024 में सम्मिलित होंगे परीक्षार्थी, अगर उनका किसी कारणवश अभी तक परीक्षा फॉर्म नहीं भरा है तो उस पर भी रोक लग चुका है, तो वो भी आगे कब से शुरू होगा इसकी चर्चा करेंगे। उसके साथ साथ तीसरा महत्वपूर्ण अपडेट है कि जो भी विद्यार्थी मैट्रिक की बोर्ड एग्जाम 2023 में उत्तीर्ण किए हैं तो आपका जो ओरिजिनल अर्थात कि मूल प्रमाण पत्र होता है और जो ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड वो आ गया है, तो कब से मिलेगा, कैसे उसे प्राप्त आप कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं इन सभी अपडेट को। तो सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जितने भी विद्यार्थियों का OFSS के थ्रू इंटरमीडिएट सत्र 2023 से 2025 के लिए आपका सूचीकरण प्रमाण पत्र अर्थात कि आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा रहा था तो उस पर रोक लगा दिया गया है, ठीक है, उस पर बंद कर दिया गया। अब आप अपने स्कूल कॉलेज से जाकर अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं भर सकते हैं। उसके साथ साथ जो भी विद्यार्थी 2022 से 24 में जो मैट्रिक इंटर की बोर्ड एग्जाम 2024 में देंगे का जो आवेदन पत्र मतलब कि जो परीक्षा फॉर्म भरा रहा था उस पे भी रोक लगा दिया गया, तो ये क्लियर समझना है। तो आगे डेट आएगा कि नहीं, तो आगे बिल्कुल डेट आएगा। देखिए ये रोक लगा क्या है कि स्कूल कॉलेज में काफी एग्जाम एक साथ पड़ा, जैसे 9th से 12th तक के परीक्षा, उसके साथ साथ काफी महाविद्यालय था जहां पे BA वगैरह और 12th का भी क्लास चलता है, तो वहां पे ग्रेजुएशन का भी लगातार पार्ट 2 पार्ट 3 का एग्जाम, तो एक बार विश्वविद्यालय महाविद्यालय स्कूल में कितना कार्य होगा, तो इसी वजह से इस पर रोक लगा दिया गया है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर समझना है कि जो भी विद्यार्थी वर्तमान में 11th में स्टडी कर रहे हैं जिनको 2025 में इंटर की बोर्ड एग्जाम देना, जो जिनका नामांकन 2023 से 25 में हुआ है, तो उनके रजिस्ट्रेशन कार्य पे रोक लगा दिया गया, लेकिन आगे जल्द ही डेट आएगा। और उसी तरह जो भी विद्यार्थी मैट्रिक या इंटर की बोर्ड एग्जाम 2024 में सम्मिलित होंगे तो उनके भी परीक्षा फॉर्म भरने पर रोक लगा दिया गया है, आगे आपके लिए डेट वगैरह मिलेगा। क्यों रोक लगाया गया है, क्योंकि मैंने बता दिया कि बहुत सारे कार्य एक बार हो रहा था एग्जाम वगैरह, इसी वजह से इस पर रोक लगा दिया गया। अब आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि कब से शुरू होगा, तो देखिए यहाँ पे ऑफिशियल अपडेट भी है, बिहार बोर्ड की तरफ से जारी किया गया था और इसमें बताया गया कि अपरिहार्य कारण से मतलब कि किसी कारण स्पष्ट नहीं किया गया है स्थगित किया गया है और बाद में सूचना प्रकाशित किया जाएगा, तो डेट वगैरह इसमें जो है बताया नहीं जा रहा है। तो हो सकता है कि मतलब कि इसी मंथ में इसका डेट आए, आगे जब आपका एग्जाम वगैरह सभी सब बीत जा रहा है 4 तक, तो उसके बाद से हो सकता है कि इसका डेट आए, ठीक है, तो इसका डेट आएगा। लेकिन काफी विद्यार्थियों के प्रश्न था कि हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, हमारा एग्जाम फॉर्म वगैरह नहीं भरा है, तो क्या आगे डेट मिलेगा कि नहीं, तो बिल्कुल आपको डेट मिलेगा, निश्चिंत रहना है आपको। और जैसे ही डेट आएगा मैं इस चैनल पे आपको अपडेट कर दूंगा, ठीक है, कि जैसे ही डेट वगैरह आएगा चाहे आपका एग्जाम फॉर्म भरने का या रजिस्ट्रेशन फिर से शुरू होगा की जानकारी मैं आपको वीडियो बनाकर दे दूंगा। अगला अपडेट है कि जो भी परीक्षार्थी बिहार बोर्ड से मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2023 में उत्तीर्ण कर चुके हैं, तो आप जानते हैं जैसे ही आप एग्जाम उत्तीर्ण करते हैं तो आपको मार्कशीट दिया जाता है और आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिया जाता है, ठीक है। जैसे ही आप मैट्रिक की बोर्ड एग्जाम उत्तीर्ण करते हैं तो उसमें आपको मार्कशीट प्रोविजनल मिल जाता है, लेकिन एक मूल प्रमाण पत्र होता है कहीं पे जिसे आप मैट्रिक का सर्टिफिकेट बोलते हैं, उसी को कहीं पे भी अगर सर्टिफिकेट मांगा जाएगा तो मूल प्रमाण पत्र पहले क्या होता था 1 साल 2 साल बाद आता था, लेकिन अब उसको भी भेजा गया तुरंत। अब समझ साल मैट्रिक की बोर्ड एग्जाम उत्तीर्ण किए उनका भी मूल प्रमाण पत्र और मूल पंजीयन कार्ड भेज दिया गया है। कब से आपके विद्यालय में मिलेगा, तो 30/9 तक मतलब कि बोला गया है कि स्कूल कॉलेज उसको जाकर प्राप्त कर लेंगे, तो 30/9 कल ही था, डेट बीत चुका है। उसके बाद से मतलब 30/9 को प्राप्त करने के बाद से स्कूल कॉलेज पे डिपेंड करता है कि कभी से भी वितरण की शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन एक डेट है, ठीक है, इसका लास्ट डेट कुछ नहीं होता है कि जब मर्जी तब आप जाकर इसको प्राप्त कर सकते हैं, अभी 1 साल बाद 2 साल बाद कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन अभी आप प्राप्त करेंगे तो उससे क्या बेनिफिट होता है, अगर मान लीजिए आपके मूल प्रमाण पत्र में ओरिजिनल जो रजिस्ट्रेशन कार्ड एक और आया है उसमें कोई भी त्रुटि होगा, मतलब कि आपके किसी भी जानकारी में से फोटो वगैरह अस्पष्ट है या कोई भी जानकारी में उसमें त्रुटि है, उसको डेट दिया गया यहाँ पे देख लीजिए 7/10 तक आपके स्कूल कॉलेज में सुधार करा सकते हैं, मतलब उसको रिटर्न कर देंगे, तो 7/10 तक आपका दूसरा मूल प्रमाण पत्र और मूल रजिस्ट्रेशन कार्ड तैयार करके भेज दिया जाएगा। तो क्लियर आपको समझ रहा है मूल प्रमाण पत्र किनका है, तो जो भी इस साल मैट्रिक की बोर्ड एग्जाम उत्तीर्ण किए हैं उनका। कब से मिलेगा, तो 30 तक स्कूल कॉलेज को प्राप्त करके उसके बाद वितरण करना है, तो वो अपने स्कूल कॉलेज से पता कीजिएगा कि कब से वो लोग वितरण कर रहे हैं। लास्ट डेट क्या है, तो इसका कोई भी लास्ट डेट नहीं होता है, जब आप जब चाहे तब प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन 7/10 तक इसे अगर आप प्राप्त करेंगे विद्यालय में संपर्क करके आपके मूल प्रमाण पत्र में या रजिस्ट्रेशन कार्ड में कोई भी त्रुटि होगा तो उसमें सुधार हो जाएगा, ये बेनिफिट होगा आपको। यहाँ पे भी देखिए बताया जा रहा है कि मैट्रिक के प्रमाण पत्र का जल्द होगा वितरण। इस पूरे वीडियो की सारांश में आपको बता दूं तो जो पहला अपडेट में हम लोग समझे कि जो भी विद्यार्थी इंटर की बोर्ड एग्जाम 2025 में देंगे अर्थात जिनका 2023 से 2025 के सत्र में OFSS के थ्रू नामांकन हुआ है, जिनका 11th का रजिस्ट्रेशन का कार्य चल रहा था उस पर रोक लगा दिया गया है, आगे इसी मंथ में कुछ दिन बाद आपका रजिस्ट्रेशन का डेट आएगा तब आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। उसी तरह दूसरा अपडेट में हम लोग समझे कि जो भी विद्यार्थी मैट्रिक या इंटर की बोर्ड एग्जाम 2024
में देंगे। आपका जो एग्जाम फॉर्म भरा रहा था उस एग्जाम फॉर्म पे भी रोक लगा दिया गया है और उसका भी डेट जल्द ही बिहार बोर्ड जारी करेगा। और तीसरा महत्वपूर्ण अपडेट है कि जो विद्यार्थी मैट्रिक की परीक्षा 2023 में उत्तीर्ण कर चुके हैं उनका मूल प्रमाण पत्र और मूल पंजीयन कार्ड आपके स्कूल कॉलेज में आ चुका है, आपको जाकर प्राप्त कर लेना। अगर 7-10 तक आप प्राप्त कर लेंगे 7 अक्टूबर तक कोई भी त्रुटि होगा तो लौटाएंगे तो तुरंत सुधार होकर नया आ जाएगा या उसके बाद भी जाकर आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के अपडेट में यही तीन छोटा छोटा अपडेट था। ऐसे ही कोई अगला अपडेट आएगा, आप जानते हैं बिहार बोर्ड के तरफ से जो भी छोटा बड़ा अपडेट आता है सभी अपडेट की यहाँ पे वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दिया जाता है, तो उस पर वीडियो में अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।